बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग एंड कुकिंग क्राफ्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इसको कंप्लीट देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। मैं आज आप लोगों के साथ दो चीज़ें शेयर करूँगी। एक तो वो कुछ मदर्स का कमेंट आता था कि बच्चे जो है साबूदाना खीर नहीं खाते। वो इसलिए नहीं खाते होंगे, साबूदाना जो है वो दानेदार होता है। तो एक मैं आपको बताऊँगी आपने किस तरीके से उसको उसकी खीर रेडी करनी है जो बच्चे ईजिली खा लेंगे। दूसरी ये कि जो बच्चे कुछ भी नहीं खाते उसके लिए भी मैं आप लोगों के साथ एक ट्रिक शेयर करूंगी। इंशाल्लाह ताला आप आजमाइएगा, बच्चे जरूर खाएंगे। ठीक है जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने साबूदाना लेकर उसको कपड़े से साफ कर लेना। उसके बाद ग्राइंडर जार में डालकर आपने उसका एक पाउडर रेडी कर लेना। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं नहीं ग्राइंड होता, लेकिन हो जाता है, ईजिली हो जाता है, मैंने बहुत दफ़ा किया है। ठीक है जी, आप करके देखिएगा। उसके बाद जी छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पहले अगर चैनल पर न्यू है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज आपके बच्चों के लिए आप लोगों तक आसानी पहुंच सके। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका थैंक यू सो मच। ये देखिए जी, मैंने भी साबूदाना जो है उसको ग्राइंडर जार में डालकर उसका पाउडर रेडी कर लिया है। ठीक है जी, चले जी दूसरी ट्रिक ये है, अगर आपके बच्चे मिल्क बोतल पीते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर कोई भी सॉलिड फूड बनाकर हम उस मिल्क बोतल के अंदर डालकर बच्चों को दे देंगे। इस तरह शायद उनको पता भी ना चले, वैसे तो बच्चे आजकल के बहुत तेज़ हैं, उनको पता चल जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊँगी आपने किस तरीके से मिल्क बोतल में कोई भी सॉलिड फूड बनाकर डालकर अपने बच्चों को देना है। चले जी, हम अपना जो साबूदाना खीर है बनाना स्टार्ट करते हैं। हम लेंगे एक फ्राई पैन, फ्लेम को कर लेंगे ऑन। हमने इसके अंदर एक कप पानी शामिल कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, 2 टेबल स्पून हमने जो साबूदाना पाउडर है वो ऐड कर देना है। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। जस्ट 5 मिनट में ये बहुत ही थिक फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर 1 कप जो है वो दूध शामिल कर देना है। शामिल करने के बाद आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। ये देखिए जी, हमने 1 कप दूध इसके अंदर शामिल कर दिया। फ्लेम से आपने फ्राई पैन को उतार लेना है। उसके बाद अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने एक छोटी इलायची इसके अंदर शामिल कर देनी है और 1 टेबल स्पून आपने इसके अंदर शुगर ऐड कर देनी है। आप चाहें तो शक्कर पाउडर, आप चाहें तो मिश्री पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर तो आप ये अपने बच्चों को मिल्क बोतल में डालकर देना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में रखें। अगर तो आपका बच्चा स्पून से खा लेता है तो आप इसको मज़ीद और थिक कर सकते हैं। ठीक है जी, ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी। साबूदाने के बहुत ही ज्यादा फायदे, साबूदाने के जो फायदे हैं बहुत सारी वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है जी, इसलिए आप इसको बच्चों की डाइट में जरूर शामिल करेंगे। देखिए जी, जो खीर है हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम इसे निकालेंगे एक बॉल के अंदर। मैं फिर दोबारा आपको बता दूं, अगर आप इसे मिल्क बॉटल में डालकर देना चाहते हैं तो आप इतनी लिक्विडी फॉर्म में रखें। ठीक है जी, अगर आपका बच्चा सुकून से खाता है थोड़ा सा मजीद और कुक कर लें और थोड़ा सा थिक कर लें। ठीक है जी, उम्मीद है कि जो बच्चे साबूदाना खीर नहीं खाते आप उनको इस तरीके से बना कर देंगी तो इंशाल्लाह ताला वो खुश होकर खाएंगे। बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, साबूदाना के बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। ये बच्चों की हड्डियों को मज़बूत बनाता है और साथ साथ ये बच्चों के वेट गेन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। जो बच्चे वीक और कमज़ोर हैं आप उनको डेली बना कर दें लंच में, ब्रेकफास्ट में, तो इंशाल्लाह ताला जो उनका वेट है वो गेन होगा। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। मिल्क बोतल ले लेनी, एक आपने मिल्क बोतल रख लेनी है बच्चों के सॉलिड फूड के लिए और एक दूध के लिए। ठीक है जी, आपने क्या करना है, जो इसका निपल है इसको थोड़ी सी ऊपर से कटिंग कर देना है, यानी कि इसको एक होल, इसका जो सुराख है उसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। ठीक है, कोई भी आप सॉलिड फूड बनाएं उससे ग्राइंडर जार में डालकर इसकी प्यूरी रेडी करके आप इस मिल्क बोतल के अंदर डालकर अपने बच्चों को दे सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपके बच्चे ज़रूर इसको खाएंगे इंशाल्लाह ताला, और आपके बच्चों को पता भी नहीं लगेगा। ये वैसे हो नहीं सकता, बच्चे आजकल के बहुत ही ज़्यादा चलाक होशियार हैं। ये देखिए जी, मैंने सीजर से इसकी कटिंग कर दी है, थोड़ी सी मेरे से ज़्यादा होगी, आप थोड़ी सी कम कीजिएगा। ठीक है जी, देखते हैं जी माएँ जीती हैं या बच्चे। इस तरह आपने क्या करना है, एक मिल्क बोतल सॉलिड फूड के लिए रख लेनी है, एक दूध के लिए, और फीडर जो है आप डेली बॉयल किया करें। ठीक है, फिर अपने बच्चों को दिया करें और इसी तरह लिक्विडी फॉर्म में बनाकर आप अपने बच्चों को फीडर में डालकर दे सकते हैं। आई होप मेरी छोटी सी जो ट्रिक और कोशिश है और रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वंस अगेन सब्सक्राइब टू माई चैनल, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अल्लाह हाफिज़।